मुझसे मिलकर तेरे चेहरे पे उजाले पड़ जाएं, मुझसे मिलकर तेरे चेहरे पे उजाले पड़ जाएं, शहर के लोग हमें देख के काले पड़ जाएं। मैं रहूं चुप तो सभी चीख पड़े वहशत से, मैं रहूं चुप तो सभी चीख पड़े वहशत से, मैं सवाल आत करूं तो होठों पे ताले पड़ जाएं। मैं नहीं होता हूं तो फिर ऑन बने फिरते हैं, मैं नहीं होता हूं तो फिर ऑन बने फिरते हैं, देखकर मुझको जिन्हें जान के लाले पड़ जाएं। आग पर हाथ धरें राख उठाएं वापस, आग पर हाथ धरें हाथ उठाएं वापस, बर्फ पर पांव रखें पांव पर छाले पड़ जाएं। दर्द की लहर कोई भेज मेरी दुनिया में, दर्द की लहर कोई भेज मेरी दुनिया में, इससे पहले कि मेरी रूह पे जाले पड़ जाएं। मैं रहूं चुप तो सभी चीख पड़े वहशत से, मैं सवालात करूं तो होंठों पे ताले पड़ जाएं। समय ना प्रोग्राम समाप्त करें, खुशबू सुखन और मैं हूं आपके साथ शफीक नीर। बहुत से लोगों ने आज के प्रोग्राम में हमारा साथ दिया, एक लंबी फहरिस्त है। सैफुर रहमान, प्रोग्राम समाप्त करें 50D से, अस्सलामुअलैकुम कहा, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आपका शो बहुत अच्छा है। सनम चौधरी 4 से प्रोग्राम समाप्त करें, अस्सलामुअलैकुम कहा। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपका शो बहुत अच्छा है, आप कैसे हैं? मैं खैरवाफियत से हूँ, बहना भी यकीन खैरवाफियत से ही होंगी। हाफिज़ ज़िशान उकाड़ा से प्रोग्राम समाप्त करें, अस्सलामुअलैकुम। हिबा नूर प्रोग्राम समाप्त कर रही हैं। वकार साकी पत्तों की से प्रोग्राम समाप्त करें, अस्सलामुअलैकुम कहा। उम्मीद है आप ठीक होंगे, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है जी, बहुत शुक्रिया आपका वकार साकी साहब। रमज़ान नज़र पत्तों की से प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं और उन्होंने प्रोग्राम को पसंद किया। बहुत से दोस्त हमारे साथ हैं, एक लंबी तादाद है, बहुत से दोस्त हमारे साथ बात करने के मुतमन्नी और ख्वाहिशमंद भी हैं। देखते हैं कौन है हमारे साथ और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जी तो बसुल जाफरी, मुझे जी अलहमदुल्ला खैर वाफियत से ठीक ठाक। बहुत अच्छे के बाद आपको सुना और बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत शुक्रिया आपका। BGM बहुत कमाल है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका जी। तबस्सुम साहब सलाम सुनाना चाहूँगा और जी फरमाइशी कलाम है और मैं जनाब यहाँ पे हमारे एक लिस्टनर है, बहुत बेहतरीन समाते रखते हैं, तो प्लीज हम उनके नाम कहना चाहूँ जी। जी अता करें भाजी के बताए आप, बताए अब मसावाद क्यों नहीं करता, वाह बताए अब मसावाद क्यों नहीं करता, हमारे गांव में बरसात क्यों नहीं करता, वाह बारिश से कब कौन बच के निकला है, बारिश से कब कौन बच के निकला है, तो बच गया है तो खैरात क्यों नहीं करता, तो बच गया है तो खैरात क्यों नहीं करता। कमाल तबस्सुम साहब कमाल, तो बच गया है तो खैरात क्यों नहीं करता, वो पेड़ जिसकी छांव में 25 गुजारे हैं, वो पेड़ जिसकी छांव में 25 गुजारे हैं, वो पेड़ मुझसे कोई बात क्यों नहीं करता। कमाल कमाल, मैं जिसके साथ कई दिन गुजार आया हूँ, मैं जिसके साथ मुझे तुम याद आते हो, किसी का हो के कहता है मुझे तुम याद आते हो, समंदर था तो जोर शोर से लहरें बहाता था, अब कतरा हो के कहता है मुझे तुम याद आते हो, बयान करते जो हाल दिल को यूं ही मुस्कुरा देता, मुझे तुम याद आते हो, ना पूछो आलम उस संग दिल की बदनसीबी का, कि सब कुछ खो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। कमाल कमाल, कब तक होगे आखिर यूं दूर दूर हमसे, मिलना पड़ेगा तुमको एक दिन जरूर हमसे, कब तक रहोगे आखिर यूं दूर दूर हमसे, मिलना पड़ेगा तुमको एक दिन जरूर हमसे, दामन बचाने वाले ये बेरुखी है कैसी, कह तो हुआ है कोई कसूर हमसे, हम छीन लेंगे तुमसे ये शाने बयान आदि,
तुम मांगते फिरोगे अपना गुरूर हमसे, हम छोड़ देंगे तुमसे यूं बात जीत करना, तुम पूछते फिरोगे अपना कसूर हमसे। वाह वाह बहुत, फिरोगे अपना कसूर हमसे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अंसर नकवी, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमारा साथ दिया, बहुत शुक्रिया। समय ना प्रोग्राम समाप्त करें, खुशबू सुखन बहुत से दोस्त और भी हमारे साथ हैं मैसेज के जरिए, लाइव कॉल्स के जरिए, बहुत से इस बात पर शायद नाराज़ भी होंगे कि हमारे मैसेज को प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया। अब हमारे साथ बहुत से लोग हैं, कुछ ने नाम तक नहीं लिखा और देखते हैं, एक बड़ी लंबी तादाद है। अली बलोच 42 DD से प्रोग्राम समाप्त करें, प्रोग्राम को उन्होंने पसंद किया है। साजिद रिनालस प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं, परदेसी या वे, अच्छा जी आप परदेसी हैं, यहाँ बहुत से लोग परदेसी हैं, आप ज़्यादा कहीं दूर ना निकल जाइएगा। मियाँ मुकद्दस प्रोग्राम समाप्त करें, उकाड़ा से, आपका शो बहुत अच्छा है और आपका अंदाज़ बहुत अच्छा है जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे अंदाज को, हमारे लहजे को, हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं। जब आप पसंद करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। समय जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ये कहा था कि आज का दिन जो है इस हवाले से भी ख़ास अहमियत का हामिल है कि शहनशाह गज़ल मेहंदी हसन खान साहब का आज योम पैदाइश 18 जुलाई 1927 को वो इस दुनिया में आए, लेकिन 13 जून 2012 को इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। उन्होंने अपनी आवाज़ के जादू से समातों को गुदगुदाया। बड़े सगीर पाक व हिंद का एक बड़ा नाम, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। मेहंदी हसन की गायकी भारत और पाकिस्तान में यकसा मकबूल है और भारत का के मुमताज़ गुलकार लता मंगेशकर ने एक बार मेहंदी हसन की गायकी को भगवान की आवाज़ से भी मंसूब कर दिया था। मेहंदी हसन जो हैं वो एक सादा तबीयत इंसान थे और बाज़ोकात बात सीधी करते थे। अजब बात है कि एक शख्स जो कि मौसीकी से ताल्लुक रखने वाला शख्स, बेहतरीन उराला गाने वाला शख्स, उसकी अगर आगाज़ की ज़िंदगी को देखें, एक मैकेनिक से मौसीकार तक, गायक तक, और गायक भी ऐसा जिसने हर तरह के गीत गाए और बखमाल गाए, गज़ल गाई तो कमाल गाई, गाने गाए तो कमाल गाए। और वो एक उनका बड़ा मशहूर ज़माना गाना है, हर दर्द को आया जान में,
पसंद किया नईम 25-8 25-8 से प्रोग्राम समाप्त करें। फरखंदा बट्टी 56-12 काड़ा से प्रोग्राम समाप्त करें। इस्लाम टू आल लिसनर तमाम सुनने वालों को सलाम कहा है। और उज़्मा अब्बास प्रोग्राम समाप्त करें लाहौर से। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ हैं जी ज़िया 4GD से प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। योर शो इज़ वेरी नाइस माई डियर, मेरी पसंद सर। आप वीक में 2-3 प्रोग्राम क्या करें जी? ज़रूर इंशाअल्लाह। सीने में छुपा अब्दुल रज़ाक प्रोग्राम समाप्त करें। फैंसी गोल गप्पे। अच्छा जी अस्सलामु अलैकुम कहा है जी। वालेकुम सलाम भाई जी, क्या हाल है भाई? आपका शो बहुत अच्छा है जी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमारा साथ दिया और अपनी मोहब्बतें अपनी चाहतों का इजहार किया। सीने में छुपा लो, सीने में। चलो भाई हो जा शुरू। तेरा जलवा तौबा, तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। दिल के मामलात से अनजान तो ना था, दिल के मामलात से अनजान तो न था। इस घर का फर्द था कोई मेहमान तो न था। दिल के मामलात से अनजान तो न था, इस घर का फर्द था कोई मेहमान तो न था। थे जिनके दम से रौनकें शहरों में जा बसे, वरना हमारा गांव यूं वीरान तो न था। बाहों में जब लिया उसे नादान था जरूर, बाहों में जब लिया उसे नादान था जरूर। जब छोड़कर गया मुझे नादान तो न था। कट तो गया है कैसे कटा ये न पूछिए, कट तो गया है कैसे कटा ये न पूछिए। यारो सफर हयात का आसान तो न था। नीलाम घर बनाया नहीं अपनी जात को, नीलाम घर बनाया नहीं अपनी जात को। कमजोर इस कदर मेरा ईमान तो न था। रस्मन ही आके पूछता फारूक खाले दिल, रस्मन ही आके पूछता फारूक खाले दिल। कुछ इसमें उसकी जात का नुकसान तो न था। थे जिनके दम से रौनकें शहरों में जा बसे, वरना हमारा गांव यूं वीरान तो न था। बाहों में जब लिया उसे नादान था जरूर, जब छोड़कर गया मुझे नादान तो न था। समय ना प्रोग्राम समाप्त करें। खुशबू सुखन और मैं हूँ आपके साथ शफीक नैयर। बहुत से दोस्त हमारे साथ हैं, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मिसमा चौधरी 20-12 से प्रोग्राम समाप्त कर रही हैं, प्रोग्राम को उन्होंने पसंद किया है। हसन भट्टी 25-8 से प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं। हम FM 92 बहुत शौक से सुनते हैं। रेहाल रहीला उकाड़ा से प्रोग्राम समाप्त कर रही हैं। फरखंदा 24-8 से प्रोग्राम समाप्त कर रही हैं। मोहम्मद अली हसन उकाड़ा से प्रोग्राम समाप्त करें जी। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों का सलाम जी। आपको बहुत बहुत सलाम। जब आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं, अगली पेश कर लौट कर फिर आते हैं, आपसे मज़ीद बात करते हैं, देखते हैं कौन कौन लोग हमारे साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जी अशरफ साहब, अशरफ साहब जी। मैं आपसे कहना था तो मैंने कहा मेहंदी हसन का एक नगमा सुना दे, अपना जीवन शीशे का, खिलौना भी तो है। अपना जीवन शीशे का,
खिलौना बीता है, खिलौना क्यों ना गाए क्यों ना मुस्कुराए। अच्छा, अपना जीवन शीशे का खिलौना ही तो है। जी जी बहुत शुक्रिया जी। आज वैसे भी हम मेहंदी खान साहब को ही प्ले कर रहे हैं, अगर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो जी जरूर करते हैं, जरूर करते हैं, क्योंकि आज जो है आज के दिन ही मेहंदी हसन खान की पैदाइश हुई थी 18 जुलाई। जी जी और अगर मैं कहूँ सरमाया थे नहीं सरमाया है तो वो हमेशा है, बिल्कुल वो हैं, अभी भी हैं इंशाल्लाह। उनकी आवाज का तो जादू चल रहा है अभी तक। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं, काफी दिन गायब रहे हैं आप। बस ऐसे ही अब गायब नहीं रहेंगे साहब। हाँ जी हाँ जी ऐसे बिल्कुल ऐसे ही जी। बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जी बैठी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। कैसे क्यों बस सुना दें, शामिल हो जाएं, क्योंकि अभी हमने ब्रेक पे भी जाना 3 मिनट के बाद। जल्दी जल्दी सुना दें, जल्दी 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 जरूर। क्यों पहले तो मेरे सारे में जिन्हें भी सुन रहे हैं सारे में सलाम करे सुने कि अल्लाह ताला सब सब लोग खुश रहे, सलामत रखे, या तो बड़ी तकलीफ तो बाजार से किया देख दुआ देना जनाब। अगे हम चलो जी कि जनाब गवर्नर के खामोशी अच्छी नहीं इनकार होना चाहिए। वाह, खामोशी अच्छी नहीं इनकार होना चाहिए, ये तमाशा सारे बाजार होना चाहिए। हां तमाशा सारे बाजार होना चाहिए। और ख्वाब की ताबीर पर इसरार है जिनको, ख्वाब की ताबीर पर इसरार है जिनको, पहले उनको ख्वाब से बेदार होना चाहिए। बहुत आला, बहुत आला। ख्वाब की ताबीर पर दोबारा सुनाइएगा, दोबारा सुनाइएगा। डूब कर मरना भी असलूब मोहब्बत हो तो हो। वाह क्या बात। डूब कर मरना भी असलूब मोहब्बत हो तो हो, वो जो दरिया है तो उसको पार होना चाहिए, वो जो दरिया है उसे पार होना चाहिए। और अब वही करने लगे दीदार से आगे की बात, अब वही करने लगे दीदार से आगे की बात, जो कभी कहते थे बस दीदार होना चाहिए, दीदार होना चाहिए। कमाल कमाल कमाल, बात पूरी है, बात पूरी, बात पूरी है, और बात पूरी है अधूरी चाहिए है जाने जा, बात पूरी है अधूरी चाहिए है जाने जा, आसान है इसे दुश्वार होना चाहिए। वाह 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 वाह। और दोस्ती के नाम पर कीजिए ना क्यों कर दुश्मनी, दोस्ती के नाम पर कीजिए ना क्यों कर दुश्मनी, कुछ ना कुछ आखिर तरीका कार होना चाहिए, आखिर तरीका कार होना चाहिए। बहुत आला बट्टी साहब, बहुत आला करना जिन्होंने फैजी मुलवर साहब तो मैं कहना कमाल है, जो पढ़ते हैं तो मैंने बड़ा खुशी होती है कि उन्होंने मुझे बड़ा नहीं कमाल, आपने बहुत अच्छा पढ़ा और मेरा ख्याल है ये बेहतरीन गजल थी, बेहतरीन गजल आपने पढ़ी। तो कायम भी रहो इस पर जफर, वाह आदमी को साहिबे किरदार। वाह 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 क्या बात है। जफर इकबाल बहुत बड़ा नाम है उर्दू अदब का, बहादुर शाह जफर साहब जी। कमाल 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 जनाब, जिंदे रहो खुश रहो, प्रोग्राम बड़ा बहुत बड़ा शुक्रिया भट्टी साहब, आपने बहुत अच्छी गजल आज प्रोग्राम में शामिल की। शायर दी गल है तो मेरे को कितने गलती ना हो जाए। नहीं बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत शुक्रिया। जब अच्छा कलाम लेके आप प्रोग्राम में आते हैं बड़ा लुत्फ आता है, सच्ची बात ये। सदा खुश रहे भट्टी साहब, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।
सकूते शाम का हिस्सा तो मत बना मुझको, सकूते शाम का हिस्सा तू मत बना मुझको, मैं रंग हूं सो किसी मौज से मिला मुझको, सकूते शाम का हिस्सा तो मत बना मुझको, मैं रंग हूं सो किसी मौज से मिला मुझको, मैं इन दिनों तेरी आंखों के इख्तियार में हूं, मैं इन दिनों तेरी आंखों के इख्तियार में हूं, जमाले सब्ज किसी तजरीबे में ला मुझको, मैं अपने होने की तकमील चाहता हूँ सखी, मैं अपने होने की तकमील चाहता हूँ सखी, सो आप बदन की हिरासत से कर रिहा मुझको, मुझे चराग की हैरत भी हो चुकी मालूम, मुझे चराग की हैरत भी हो चुकी मालूम, अब इससे आगे कोई रास्ता दिखा मुझको, इसमें खास की तरकीब से बना हूं मैं, इसमें खास की तरकीब से बना हूं मैं, मोहब्बतों के तलफ़ुज़ से कर अदा मुझको, मोहब्बतों के तलफ़ुज़ से कर अदा मुझको। सामईन आप प्रोग्राम समाप्त करें खुशबू सुखन, और मैं हूं आपके साथ शफीक नैयर, मेरे और आपके दरमियान राबिते का नंबर 0302-3846-9292। इस पर बहुत से दोस्तों ने आज के प्रोग्राम में मेरा साथ दिया, मेरा आपका साथ सिर्फ चंद मिनट है और इसके बाद जो है आपसे इजाज़त चाहने वाला हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बतें सदा सलामत रहने वाली हैं। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि मोहब्बतें बहुत अनमोल मोती हैं, बहुत कीमती मोती हैं, इनको संभाल कर रखना चाहिए, और जो इसको संभाल कर रखते हैं वो बड़े कामयाब हुआ करते हैं। मोहब्बतें बांटने वाले और मोहब्बतें समेटने वाले दोनों ही बड़े खुशबख्त हैं, लेकिन खुशबख्ती उस वक्त दो चंद हो जाती है जब हम इसको मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। क्योंकि किसी ने कहा था कि खुदा का कुर्ब हासिल करना चाहते हो तो मखलूक़ खुदा को माँ की नज़र से देखो, माँ तो रूह की बिनाई का नाम है, माँ और दुआ एक ही लफ्ज़ के दो मानी हैं, माओं को मरना नहीं चाहिए, जिंदगी का मफहूम मर जाता है। माँ कहाँ करती थी अजनबी लोग नहीं लहजे हुआ करते हैं, समेन अजनबी लोग नहीं लहजे हुआ करते हैं, शायद इसीलिए मुझे ये अपनों का देश भी अजनबी सा लगने लगा है। समेन लहजे अजनबी नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब लहजे अजनबी होते हैं तो तकलीफ बढ़ जाती है, दुख बढ़ जाते हैं, परेशानी बढ़ जाती है, और जब परेशानी बढ़ती है तो कुछ भी हाथ नहीं रहा करता। इसलिए अपनी मोहब्बत, अपने लफ्ज़ों की मिठास को कायम दायम रखिए, होंठों में मोहब्बत बसाइए, और ना सिर्फ होंठों से बल्कि दिलों को भी मोहब्बत से उजागर रखिए, मुझे मोहब्बत से भर दीजिए, क्योंकि जब दिलों में मोहब्बत भरती है तो हर तरफ खुशियाँ लहलहा रही होती हैं। इस दुआ के साथ जहां रहिए खुश रहिए, इंशाल्लाह अगली जुमेरात मालिक ने चाहा सांसों की डोरी कायम रही, ये जिंदगी कायम दायम रही, आपके दरमियान फिर आएंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, शब्बा खैर, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।